नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा समय के स्टार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, यहां तक कि ट्विटर पर आकाश चोपड़ा कुछ ना कुछ क्रिकेट से जुड़ी बातों पर अपनी राय रखते रहते हैं। अब हाल ही में आकाश चोपड़ा ने चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा बयान दे दिया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर 2021 आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन होता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को उनके कप्तान धोनी को रिलीज कर देना चाहिए। अब आपको यहां ये बताते चले कि आकाश चोपड़ा सीएसके टीम मैनेजमेंट को धोनी को टीम से बाहर करने की सलाह नहीं दे रहे, बल्कि टीम मैनेजमेंट को थोड़े पैसे बचाने का तरीका बता रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने वो वजह भी बताई कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स को महेंद्र सिंह धोनी को टीम से रिलीज क्यों करना चाहिए। आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर टीम धोनी को रिटेन करती है तो टीम के 15 करोड़ रुपए धोनी पर चले जाएंगे। उन्होंने इसके लिए सीएसके को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि धोनी को रिलीज कर दिया जाए और जब उन्हें कोई टीम खरीदे तो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वापस टीम में लाया जा सकता है। आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो में कहा, मुझे लगता है कि सीएसके को धोनी को रिलीज कर देना चाहिए अगर मेगा ऑक्शन होता है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धोनी को टीम में ना रखें, वो अगला आईपीएल खेलेंगे और अगर आप उन्हें रिटेन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए भरने होंगे। अगर धोनी रुकते हैं और वो महज 2021 आईपीएल खेलते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए 2022 सीजन में वापस मिलेंगे, लेकिन तब आप उस पैसों का क्या करेंगे। यही मेगा ऑक्शन का फायदा है, सीएसके राइट टू मैच कार्ड के जरिए उन्हें वापस टीम में ला सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।